नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल गुरु में। दोस्तों, लाखों पर्यटक हर साल थाईलैंड की रंगीन रातों का मजा लेने पटाया या बैंकॉक पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी ने सोचा है कि इन रंगीन रातों के पीछे कितना दर्द छिपा है। थाईलैंड के पटाया और बैंकॉक में बियर की बहार, बॉडी मसाज, जुए खाने और सेक्स ट्रेड से भरपूर रातें कई सिसकियों की बानगी है। आपको बता दें कि थाईलैंड में जिस्म का धंधा गैर कानूनी है, लेकिन इसे अनदेखा करते हुए लड़कियों ने इसे अपना पेशा बना लिया है और इस समय थाईलैंड में करीब 1,23,000 सेक्स वर्कर हैं। कभी बॉडी मसाज के बहाने तो कभी बियर परोसने के बहाने ये लड़कियां सेक्स ट्रेड में लिप्त हैं। नई महिला टूरिज्म मंत्री ने थाईलैंड में सेक्स के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने का निर्देश दिया है, पर इन लड़कियों के लिए ये कारोबार जरूरी बन गया है और वो किसी न किसी बहाने से इसे कर ही लेती हैं। पोल डांसिंग करती लड़कियों की इस तस्वीर को देखिए जरा। यहाँ बॉडी मसाज और बार गर्ल्स की आड़ में जिस्म फरोसी का धंधा जोरों पर है। खासकर बाहर से आए पर्यटकों के लिए यह काफी लोकप्रिय है। जरूरी नहीं कि हर लड़की जिस्म का धंधा अपने मन से अपनाए। कुछ लड़कियां मजबूरी में या धोखे में यहां लाई जाती हैं और इन्हीं रातों के अंधेरे में उनकी जिंदगी गर्द हो जाती है। पटाया की सड़कों पर हाथ में बार और रेस्टोरेंट का पोस्टर लिए खड़ी लड़कियां, ये लड़कियां दरअसल ग्राहकों को रिझा रही हैं। इनकी जिंदगी पटाया के बीच और बार के बीच कैद होकर रह गई है, जहाँ चंद डॉलर के बदले ये विदेशी पर्यटकों की मनमानी का शिकार होती है। बार में आए ग्राहकों को डांस कर लुभाती युवती, यहाँ डांस वैध है लेकिन इसकी आड़ में भी जिस्म फरोशी जोरों पर है। रेस्टोरों का पोस्टर लेकर खड़ी बार गर्ल्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई मर्दों को लुभाने के लिए थाईलैंड की व्यस्त सड़कों के बीचों बीच खड़ी सेक्स वर्कर। तो दोस्तों, थाईलैंड की इन रंगीन रातों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।